गाजीपुर में राज्य आयुष मिशन के तत्वाधान में औषधीय पौध उत्पादन और निर्यात के संबंध में एक दिवसीय बायर एंड सेलर मीट कार्यक्रम का आयोजन जिलाधिकारी आर्यका की अध्यक्षता में एक होटल में हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु उपस्थित रहे। वहीं मैनपुरी उपचुनाव में मुलायम सिंह परिवार की बहू डिंपल यादव के चुनाव लड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि विरासत का तिलिस्म अब टूट जाएगा। जो भी गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। विरासत उत्तर प्रदेश से लेकर देश में जो लोग खानदान की राजनीति करते थे, परिवार की राजनीति करते थे और राजनीति को अपनी विरासत समझते थे, वो तिलस्म अब टूटने लगा है। और आपने देखा कि पिछले दिनों देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने कैसे फैसले किए हैं। फैसले आपको बता देंगे कि ये परिवारवाद टूट रहा है और ये विरासत टूट रही है। साथ ही आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आयुष और योग से विश्व भर में भारत की पहचान हुई है। औषधीय फसलों के उत्पादन करने से किसान अपनी आय में काफी वृद्धि कर सकते हैं। उन्होंने गाजीपुर और वाराणसी के किसानों की तारीफ करते हुए कहा कि यहां के किसानों ने क्षेत्र का नाम रोशन किया है। कई किसान ऐसे हैं जिन्हें सरकार ने सम्मानित किया है। तो आज के बाद निश्चित ही यहाँ औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा मिलेगा। जो बड़ी कंपनियां हैं उनको यहाँ इनवाइट किया गया है, डाबर, वैद्यनाथ, झंडू, जो ऐसे उत्पाद बनाती हैं, जो आयुर्वेद के दवाएं बनाती हैं, जो च्यवनप्राश बनाती हैं, तो निश्चित ही एक बाजार उपलब्ध होगा, तभी इनके उत्पाद का उनको बाजार मूल्य मिलेगा, अच्छा मूल्य मिलेगा, तो निश्चित ही इन खेती को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब जरूरत से ज्यादा उत्पाद होंगे तो निश्चित ही हमको स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। और बनारस जैसा शहर आपके पड़ोस में है, बनारस से विदेशी, भारत के अलावा दुनिया के तमाम देशों को सब्जियां, जिसमें विशेषकर गाजीपुर की जो मिर्च है वो जा रही है, तो बहुत सारी सब्जियों का, फलों का अब निर्यात की सुविधाएं हैं। बगल में रेलवे के द्वारा भी माधोपुर स्टेशन है, उस पर बहुत बड़ा टर्मिनल बनाया गया है, तो वहाँ रेल के द्वारा, यहाँ एयरपोर्ट के द्वारा भी हमारी चीजें दुनिया के अन्य देशों को भेजी जा रही है। उपचुनाव की सरगर्मियां यूपी के चारों कोनों में देखी जा रही है। यही कारण है कि पक्ष विपक्ष के बीच जुबानी जंग जारी है। अब देखने वाली बात ये होगी, उपचुनाव में किसके सिर जीत का सहरा सस्ता है और किसे हार का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ फारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।